नवी मुंबई नेटवर्क। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में 250 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 3,327 दर्ज किया गया है। ऑल इज वेल आज राहत भरी खबर ये रही कि आज 519 लोग कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और इसी के साथ कोरोना मुक्त व्यक्तियों की संख्या में हुआ इजाफा और आंकड़ा पहुंचा 48,903 और इसी के साथ डिस्चार्ज मरीजों का रिकवरी रेट 92% दर्ज किया गया। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है पनवेल से 20, न्यू पनवेल से 88, कलम्बोली से 69, कामोठे से 126, खारगढ़ से 181, तलोजा से 35। दुखद घटना। आज पनवेल महानगर पालिका के तहत 13 व्यक्तियों की मौत के साथ पनवेल मनपा के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से मृत्यु का कुल आंकड़ा 947 तक पहुंच चुका है। तो चलिए ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पनवेल महानगर पालिका के तहत आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। बता दें कि कलम्बोली में आज 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 69। कामोठे में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 5, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 126। खारगर में आज 86 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। रिकवर्ड केसों की संख्या रही 181। न्यू पनवेल में 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 4, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 88। पनवेल में 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 2, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 20। तलोजा में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा रहा 1, रिकवर्ड केसों की संख्या रही 35। वहीं इसी के साथ पनवेल महानगर पालिका के तहत अब तक कुल 53,177 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 947, रिकवर्ड केसों की संख्या 48,903 और एक्टिव केसों की संख्या 3,327 दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।